चुनाव का मौसम आ गया है तो प्रत्याशियों की ओर से प्रचार भी तेज कर दिया गया है। इस चुनावी मौसम में प्रचार करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल हो रहा है। हर उम्मीदवार की ओर से कोशिश की जा रही है कि जनता को रिझाएं, वोट पाए। अब ये मेरठ की तस्वीर देखिए। बीजेपी के नेता विनीत अग्रवाल जैसे ही जनता को संबोधित करने आए, सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आपको सोचना होगा कि कमल चाहिए या क्या चाहिए। कमल, 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 कमल। मतलब वोट के लिए पीएम मोदी के नाम का इस्तेमाल किया सुअल। पीएम मोदी की तुलना भगवान से करने लगे और बता दिया कि धरती पर तो राम मोदी ही। तो आपको लगेगा मोदी राम के रूप में आ गए हैं। वोटर्स को लुभाने के लिए कोई भी मौका छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। छोड़े भी कैसे, वोट पाना है। उत्तर प्रदेश के मथुरा की तस्वीर देखिए। चुनाव में प्रचार के लिए एक ये भी तरीका। वोटर्स को लुभाने के लिए अब ठुमके का सहारा लिया जा रहा है। बीजेपी की सभा शुरू हुई नहीं कि भीड़ को बनाए रखने के लिए ठुमके लगवाए गए। चुनाव का रंग त्योहारों पर भी नजर आ रहा है। राजस्थान का एक त्योहार है जिसे गणगौर कहा जाता है। इस त्योहार में लड़कियों ने जो मटके को अपने साथ ले रखा है उन पर भी मोदी की तस्वीर लगाई गई। यानी कि चुनाव के प्रचार के लिए एक और नया तरीका। तस्वीर के साथ साथ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है नमो अगेन। बैतूल में तो एक परिवार ने पूरी तरह से मटके बेचने की शुरुआत की। बीजेपी ने मैं भी चौकीदार का कैंपेन शुरू किया तो प्रजापति परिवार ने इस नाम से मटके बेचने शुरू कर दिए। चुनाव के मौसम में विरोधियों पर निशाना साधने के लिए दीवारों का भी खूब सहारा लिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की तस्वीर है ये। एक ओर पीएम मोदी की रैली कोलकाता में हो रही थी तो दूसरी ओर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पीएम पर निशाना साधने के लिए दीवारों का सहारा लिया और लिख दिया चौकीदार चोर है।